उधर रेवाड़ी में लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शिरकत की। इस दौरान 15 परिवाद रखे गए और विपुल गोयल ने उनके समाधान के निर्देश दिए। वहीं कैबिनेट मंत्री ने कहा कि उद्योगों में स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए प्राथमिकता मिले, इसके लिए वो अधिकारियों के लिए जो निर्देश हैं वो दे रहे हैं। साथ ही जो धारूहेड़ा का औद्योगिक क्षेत्र विकास हुडा के दायरों में आने के कारण नहीं हो पाया, अब धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र को HSIIDC को ट्रांसफर करने वाला है और आने वाले समय में धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र की तस्वीर ही बदल जाएगी। वहीं बीजेपी की घोषणाओं पर कांग्रेस की बयानबाजी पर विपुल गोयल ने कहा कि कांग्रेस ने जनता को मूर्ख बनाया है, कांग्रेस ने तो उनके समय में हुई आधी घोषणाओं को भी पूरा नहीं किया, तभी उनकी सभी घोषणाओं पर काम चल रहा है। मैं यहाँ पर अपने DIC ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, दिखवाकर प्रायोरिटी यहाँ के लोगों को दी जाएगी। लेकिन कई बार इंडस्ट्रीज की दिक्कत होती है, अगर कोई उन्हें टेक्निकली साउंड आदमी चाहिए, कोई परफेक्ट आदमी चाहिए या उस जो संबंधित काम का जानकार चाहिए वो यहाँ नहीं मिलता, तो वो उनकी मजबूरी है कि बाहर से रखें, लेकिन वो प्रायोरिटी यहाँ के लोगों को देंगे, ऐसा मैं निर्देश। जो धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है उस इंडस्ट्रियल एरिया को हमने HSIIDC के अंदर मर्ज कर दिया है। पिछले एक हफ्ता हो गया वो आ गया, 14 इंडस्ट्रियल स्टेट थी जो हुड्डा के अंडर थी, उनको HSIIDC में मर्ज कर दिया है। अब आप देखेंगे अगले 2-3 महीने के बाद सारा विकास कार्य उसके अंदर। बीजेपी वादे नहीं कर रही, बीजेपी इम्प्लीमेंट कर रही है। आपने देखा कि जितनी घोषणाएं करी हैं उसमें 1400 घोषणाएं जिन पर काम चल रहा है, हमारे पास पूरा डाटा है ना, इतनी घोषणाएं की, इतना काम कर दिया। कांग्रेसी लोग सिर्फ अनर्गल प्रचार तो करने में माहिर हैं, वो डाटा के साथ बात करें ना, कितना काम करा पिछले 10 साल की उनकी सरकार के अंदर। अगर मनोहर लाल जी के 3 साल के शासनकाल में जो काम हुए उसका 50% भी काम कांग्रेस ने करा है तो मानेंगे वाकई में एक वो सत्ताधारी दल थे। अदरवाइज उन्होंने किसानों को, मजदूरों को और बैकवर्ड लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बना